दोस्तों भारतीय रेल भले ही अपने यात्रियों तक समय पर नहीं पहुंचती है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहती है। भारतीय रेलवे के इन दिनों सोशल मीडिया पर जवाब मांगने पर तुरंत उसका जवाब मिल रहा है और उसका बड़ा प्रभाव भी पड़ रहा है। कुछ समय पहले रेलवे को बहुत प्रशंसा मिल रही थी। यह मामला था कि एक बेटे ने ट्वीट करके रेलवे से अनुरोध किया था कि वह ट्रेन में यात्रा कर रही अपनी माँ से संपर्क नहीं कर पा रहा है। तब रेलवे ने तुरंत बेटे की बात उसकी माँ से करवाई, जिसके बाद लोगों को लगा कि भारतीय रेलवे हमारी सेवा के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए यदि हम बर्थ के नीचे आपकी चप्पल भूल जाते हैं तो रेलवे इसे हमारे पास वापस जरूर भेज देगी। अब हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने की 13 तारीख को सियालदह स्टेशन के पास गौर एक्सप्रेस पर यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ने अपनी बर्थ के नीचे 2 किलो दही रखकर भूल गया और ट्रेन से नीचे उतर गया। इसके बाद जब शख्स पहुंचा तो उसे अपनी दही की याद आई और उसने रेलवे को ट्वीट किया। अब भले ही मामले की शिकायत ट्वीट करके की गई थी, फिर भी रेलवे को अपनी ओर से प्रतिक्रिया देनी पड़ी। अब रेलवे ने सम्मानपूर्वक ट्वीट का जवाब दिया और कहा कि RPF पूर्वी रेलवे इन भाई साहब की दही खोजने में मदद करेगा, जिसके बाद दही खोने का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि दही का पैकेट नहीं मिला, लेकिन इस सबके बीच ट्वीट करने वाले और शिकायत करने वाले व्यक्ति ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। दोस्तों भले ही भारतीय रेलवे ने उस व्यक्ति की मदद ना की हो, लेकिन उन्होंने इस व्यक्ति की शिकायत को सुना और तुरंत अपना जवाब भी दिया। तो दोस्तों आपका भारतीय रेलवे के बारे में क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।